दोस्तों नमस्कार, हमारे YouTube के चैनल एनालिटिका क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी विषय से जुड़े हुए प्रत्येक टॉपिक का क्रम अनुसार अध्ययन करेंगे। हिंदी से जुड़े हुए बारीक नियमों को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अब हिंदी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम हिंदी का विषयवार एक एक का टॉपिक का आपको बारीकी से अध्ययन कराएंगे और हिंदी से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्नों को आपके समक्ष रखेंगे, जिससे हिंदी को हम आपके लिए आसान बनाएंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है वर्णमाला। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, इसी ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। वर्णों को व्यवस्थित करने के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं। इनमें 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। इसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन तथा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। वर्णमाला के दो भाग होते हैं। वर्णमाला के कितने भाग होते हैं? दो। पहला भाग है स्वर और दूसरा भाग है व्यंजन। तो पहला भाग हो गया स्वर, दूसरा भाग हो गया व्यंजन। तो अब हम स्वर के बारे में देखेंगे कि स्वर क्या होता है। तो स्वर क्या होता है, तो हम स्वर के बारे में देखेंगे। जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उसे स्वर कहते हैं। जिसे स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उसे स्वर कहते हैं। परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13 मानी गई है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से 10 ही स्वर होते हैं। तो हम देखेंगे उच्चारण के आधार पर स्वर, उच्चारण के आधार पर कितने स्वर होते हैं? 10। देखेंगे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ओ, बड़ा ओ, ए, आए, ओ, औ। तो इसमें कौन कौन से स्वर नहीं है? ऋषि और अंग और आह। तो उच्चारण के आधार पर 10 होते हैं। और लेखन के आधार पर स्वर देखेंगे तो छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, औ, अंगा और ऋषि। तो इसमें कौन से तीन बड़े हैं? अंगा, अंग और आह और ऋषि। तो लेखन के आधार पर 13 स्वर होते हैं। तो अब हम स्वर, हमने स्वर देखा, अब हम देखेंगे व्यंजन। व्यंजन क्या होता है, व्यंजन के बारे में चर्चा करेंगे। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ऐसे स्वर जो ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। हर व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर लगा होता है। आ के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता। वर्णमाला में कुल 35 व्यंजन होते हैं। वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? कुल 35 व्यंजन। अब हम देखेंगे व्यंजन किस प्रकार से उनको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। तो देखेंगे जो का वर्ग है, इसमें इसको का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त व्यंजन में विभाजित किया गए हैं। तो का वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं? का, खा, गा, घा, ढा। और चा वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं? चा, छा, जा, झा, इया। और टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, ढा। ता, ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। और अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? यारा, लावा। यारा, लावा अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और ऊष्म व्यंजन, यारा, लावा को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन सा, 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 हा। तीनों सा और हा को, इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। और संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? छ, त्र, क्या, असरा। ये चार व्यंजन हैं जो कि दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब देखेंगे यह वर्णमाला देवनागरी लिपि से लिखी गई है। देवनागरी लिपि में संस्कृत, मराठी, कोंकणी, नेपाली, मैथिली भाषाएं आदि लिखी जाती हैं। हिंदी वर्णमाला में र, ल, र का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब हम देखेंगे कुछ विशेष पॉइंट, कुछ नोट्स।
जैसे कि भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है, वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, और उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध, और पदबंध से छोटी इकाई पद होती है, पद से छोटी इकाई अक्षर, और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि होती है, और ध्वनि को भी वर्ण कहते हैं। जैसे कभी कभी सीधा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वाक्य की छोटी इकाई क्या होती है, तो वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होती है, और उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध होती है, और पदबंध से जो छोटी इकाई होती है उसको इकाई पद कहते हैं, और पद से छोटी इकाई अक्षर, और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि होती है, और ध्वनि को हम वर्ण भी कहते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ध्वनि को क्या कहते हैं, उसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो ध्वनि को वर्ण भी कहते हैं। तो जैसे देखेंगे पुनः, इसमें 2 अक्षर हैं, तो हम जानते हैं कि पुनः में 2 ही अक्षर हैं, पु प्लस ना, लेकिन अगर जो इसका हम पूरा विश्लेषण करके देखें तो इसमें 4 वर्ण हैं, पा ऊ ना और हा। पा में जो है ऊ की मात्रा लगी है, तो पा और ऊ मिलकर पा बना हुआ है, तो इसमें ये 2 वर्ण हो गए, और ना में के आगे बिंदी रखी आ, तो ना और हा, तो ये 2 हो गए, तो टोटल इसमें 4 वर्ण हो गए। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को दबाएं तथा कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।